वेलकम बैक हैशटैग कांजीवाणी। आज हम वीडियो लेकर आए हैं सुपर संडे का पहला मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आज केकेआर और सीएसके के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। सर रविंद्र जडेजा ने पलटा पासा, तूफानी पारी से सीएसके को दिलाई 2 विकेट से जीत। जी हाँ, बहुत ही शानदार धुआंधार पारी खेली है सर रविंद्र जडेजा ने। जी हाँ दोस्तों, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था केकेआर ने, लेकिन उनकी शुरुआत काफी अच्छी नहीं रही, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से अंत किया दिनेश कार्तिक ने, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से 11 गेंदों में 26 रन बनाए और नीतीश राणा ने 33 गेंदों में 45 रन। इस तरीके से बहुत ही शानदार 20 ओवर में 171 रनों तक पहुंच पाई केकेआर की टीम। और सीएसके की गेंदबाजी का लेखा जोखा किस कुछ इस प्रकार रहा। लॉर्ड ठाकुर, जब से टेस्ट मैचों में इनको मौका मिला है, लॉर्ड ठाकुर को बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, विशेष तौर से डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी, और आज 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 2 विकेट अपने नाम करे जबरदस्त तरीके से। और उसके बाद आई बारी चेन्नई सुपर किंग्स की। एक बार फिर साउथ अफ्रीकन डुप्लेसिस और इंडिया का चमकता सितारा चेन्नई का आज, और निश्चित रूप से ये भारत का कल होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। बहुत ही शानदार फॉर्म में है, इन्होंने एक बार फिर आज 28 गेंदों में 48 रनों की बेहतरीन पारी खेली, और डुप्लेसिस ने भी इसी के साथ ही जबरदस्त पारी खेली, उन्होंने भी 43 रनों का योगदान दिया। लेकिन चेन्नई के लिए यही समस्या है, लगातार टॉप 4 के अलावा नीचे वाले बल्लेबाज वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मिस्टर क्रिकेट, मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना का फॉर्म नहीं है, और एमएस धोनी इस आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। अगर चेन्नई को आने वाले समय में सेमीफाइनल और फाइनल में, अगर क्वालिफायर में अच्छा मुकाबला करना है, अच्छी जीत दर्ज करनी है, तो निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, खासकर कि एमएस धोनी और सुरेश रैना को। आज बात कर रहे हैं सर रविंद्र जडेजा की। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी हैं क्रिकेट के बहुत बड़े फैन तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन जीतेगा आईपीएल, और आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल का खिताब, तो इस चैनल को जल्दी करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, और आज सुपर संडे का दूसरा मुकाबला होगा एमआई वर्सेज आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच दूसरा मुकाबला होगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है और आरसीबी पहले बल्लेबाजी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये अभी अपन ने बताया मैच नंबर 38 का हाल, आगे वाला मुकाबला होगा 39। अब यहाँ से एमआई और आरसीबी के लिए बहुत ही रोचक मुकाबले शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब यहां से हारने का मतलब है टूर्नामेंट से बाहर होना, यहां से मुकाबले नहीं हार सकते। जी हाँ दोस्तों, अपनी आने वाली वीडियो है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज का मैच नंबर 39 जो कि अभी जारी है, वो मुकाबला हो रहा है एमआई और आरसीबी के बीच में, बहुत ही रोमांचक मुकाबला है, देखना ना भूलिएगा, बहुत ही शानदार मुकाबला है। और इसके बाद आरसीबी, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैच नंबर 39 में कौन जीतेगा, आरसीबी या एमआई। जब तक के लिए सी यू सून, टाटा बाय।